हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। खबर औरैया जिले से है। यहां प्रदेश सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा और जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हजारों की संख्या में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकाला। इस दौरान पूर्व सांसद प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। औरैया शहर के सुभाष चौराहे से विशाल साइकिल जुलूस निकालते हुए पूर्व सांसद और सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को केंद्रित रखते हुए पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार दमनकारी नीति पर काम कर रही है, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री इरशाद और विनोद कक्का समेत हजारों की संख्या में सपाइयों का जुलूस साइकिल यात्रा देखने को मिली। वहीं किसी प्रकार की कोई अराजकता की स्थिति ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। लोकतंत्रात्मक तरीके से प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सपाइयों ने सरकार को वोट बैंक की राजनीति करने और भोले भाले किसानों के साथ छलावा करने वाली सरकार करार दिया। इस मौके पर अवधेश भदौड़िया, जितेंद्र दौरे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस जन्मदिन पर आज उत्तर प्रदेश में साइकिल रैली इसलिए निकाल रहे हैं, पूरा छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। महंगाई की ये स्थिति हो गई कि डीजल पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। किसान परेशान है, अपना खेत नहीं जोत पा रहा, इस बाढ़ की वजह उसकी पूरी फसल चौपट हो गई। पाटा से लेकर दिव्यापुर तक जितना निचला इलाका है उसमें किसान बर्बाद हो गया। और इसके अलावा जितना उस समय कोरोना काल में जब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी, उसके बाद भी दूसरी लहर में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, आदमी बेहाल हो गया, आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिली, टैबलेट नहीं मिले और कुछ नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले। तो इस सरकार से परेशान हो गया है पूरा प्रदेश। आज प्रदेश संकल्प ले रहा है कि आगे आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। इस सरकार में जो समाज को वोट लेकर चली गई वादा करते, एक भी वादा पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, एक भी वादा नहीं किया। और आप देख रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार, एक भी कोई सड़क पर गड्ढा नहीं हुआ। डीजल की आप देख रहे क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है, गैस सिलेंडर के क्या रेट है, कड़ुआ तेल कहाँ रेट पहुँच गया। किसान की आय दोगुनी की वादा किया था, किसान बेचारा त्राईवान त्राई पर, नौजवान को रोजगार का वादा किया, एक रोजगार नहीं, रोजगार छीने और जाए। इसके मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ये आंदोलन की, जो भी जिला पंचायत का चुनाव था, ब्लॉक में भी चुनाव था, इसमें खुलेआम पैसा का प्रयोग, भ्रष्टाचार और शासन का प्रयोग करके और लोकतंत्र की हत्या की गई है। लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी माननीय चंद्रशेखर मिश्र जी के आज उनका उनकी जयंती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोग सड़कों पर साइकिल यात्रा तहसील स्तर पर करें। असल में हम लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने जो जनता के साथ, किसान के साथ, गरीबों के साथ, व्यापारियों के साथ, मजदूरों के साथ जो रवैया अपना रखा है और उससे आम जनमानस में धरा धरा मची है। दुकानदार परेशान है, किसान परेशान है, हर व्यक्ति चारों तरफ परेशान है। हम लोग किसानों के समर्थन में, व्यापारियों के समर्थन में, मजदूर गरीबों के समर्थन में हम सरकार का विरोध साइकिल रैली के द्वारा करने जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोग पूरे प्रदेश के समाजवादी लोग साइकिल चलाने का काम कर रहे हैं और साइकिल चला के गांव-गांव जाके हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करेंगे और इस सरकार को हार फेंकने के लिए हम लोग जनता का आह्वान करेंगे। रैली निकालने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जो छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध हैं जनेश्वर मिश्र जी, आज हमने उनके जन्मदिवस पर ये साइकिल रैली निकाली है क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने वाले हैं और ये समाजवादी पार्टी भी समाजवादी विचारधारा पे चलती है। ये जो हमारा इस समय सत्ता पक्ष है, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मुझसे ज़्यादा तो शायद आप पत्रकार बंधु जानते होंगे। आज हमने यहाँ पे महंगाई पे, लड़ाई पे, जितना हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हुआ, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है।
यहाँ पे दुशासन और दुर्योधन बनने का काम हो रहा है। और जब दुशासन और दुर्योधन, एक दुशासन ने जब द्रौपदी की साड़ी खींची थी तो एक महाभारत हुआ, और यहाँ तो ना जाने कितनी द्रौपदियों की साड़ी खींची गई है। आने वाले समय में क्या क्या होगा, चुनाव रूपी हमारे संग्राम में दिखाई पड़ेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।